अगर आप किसी और फील्ड में हैं, जैसे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कहीं भी आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। मेरा जो ड्रीम रोल है वो है महादेव का रोल। जो भी मेरी बॉडी है बिल्कुल नेचुरल बॉडी है, और मैं 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ कहीं पर भी हूँ, मैं 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता ही हूँ। मैं जब मैं 2002 में इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे 10 साल बाद 2012 में महाभारत में ब्रेक मिला था। देखिए, महाभारत का जो किरदार था तो वो मेरे लिए लाइफ में सबसे, मतलब एक होता ना पहला प्यार, जो वो मेरा पहला किरदार था मेरा, तो वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा। आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताइए राजस्थान से लेकिन मुंबई तक? देखिए, 20 साल हो गए मुझे, और मैं राजस्थान के भिलवाड़ा शहर से हूँ। और मतलब बहुत मुश्किल हुई थी जब मैं बॉम्बे आया था, क्योंकि बॉम्बे को समझने में 4-5 साल लग जाते हैं हर, मतलब क्योंकि यहाँ पर वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। और मैं किसी बैकग्राउंड के नहीं आया, मतलब कोई भी हमारे मतलब बैकग्राउंड में कोई भी मतलब इस फील्ड से नहीं है, तो मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया कि कहाँ से शुरुआत करूँ अपनी, कैसे लोगों से मिलूँ, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन एक होता ना कि जब आदमी का जुनून होता है और अपने काम के लिए मेहनत होती है, तो वो कोई भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन होती है। तो मैंने वही पाया और अभी भी संघर्ष जारी है। और मुझे लगता है कि ऐसी फील्ड है, हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें हमेशा संघर्ष रहता ही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी और फील्ड में हैं, जैसे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कहीं भी आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मुंबई आना पड़ेगा, भले आप कहीं से भी हो, यूपी से, राजस्थान से। तो आप देखिए कंपटीशन कितना बढ़ जाता है, मतलब सबको अगर एक ही जगह आकर काम करना है तो कितना कंपटीशन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इतना भी जो भी काम किया है, मैं अपना बहुत लकी फील करता हूँ और बहुत अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। तो आपने हमेशा से ऑन स्क्रीन नेगेटिव रोल प्ले किया है, और ऑफ स्क्रीन हम देखें तो आप बहुत फैमिली पर्सन हैं, तो आपका क्या रिएक्शन? तो आप चाहते हैं कि मैं जो रियल लाइफ में ऐसे रहूँ, नेगेटिव रहूँ? तो वो तो देख किरदार है, नेगेटिव किरदार है वो, तो जो निभाता हूँ वो लोग उसे पसंद करते हैं। बाकी ऑफ स्क्रीन तो मैं, सभी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव किरदार करते हैं, वो कोई भी एक्टर ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव होता है। ऑफ स्क्रीन सभी अच्छे होते हैं और सब अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, तो मैं भी करता हूँ ऐसे ही। आपने सिद्धार्थ कुमार तिवारी के शो में दुर्योधन, महाभारत में दुर्योधन का रोल प्ले किया है, तो सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने आपके करियर में कैसा रोल प्ले किया है? देखिए, सिद्धार्थ सर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे मतलब प्रोड्यूसर का हमें एक बड़े भाई के जैसे मुझे हमेशा गाइड करते हैं। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम भी होती है या कुछ अगर मैं नया काम भी कर रहा होता हूँ, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ। और महाभारत में उन्होंने मुझे, पहले मैं महाभारत कर नहीं रहा था, कुछ और काम कर रहा था, तो सिद्धार्थ सर ने मुझे कन्विंस किया कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा शो अगर तुम अगर से करते हो तो, और वो बिल्कुल सही रहा। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं महाभारत का हिस्सा बना, और सिद्धार्थ सर का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस शो में काम करने का मौका दिया। आप किस तरह करना चाहोगे? अच्छा, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता हूँ कि मेरा जो ड्रीम रोल है वो है महादेव का रोल, मतलब शिव भगवान का रोल मेरा ड्रीम रोल है। जब भी अगर मूवी बनती है, कुछ भी अगर फिल्म बनती है आगे जाकर कुछ महादेव के ऊपर, तो मेरी इच्छा है कि वो मैं करूँ, बाकी तो महादेव के हाथ में, मेरा ड्रीम रोल तो वही है। हमने आपको हमेशा फिटनेस के रिलेटेड जितना देखा है, तो आप अपने फिटनेस रूटीन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, फिटनेस तो मेरे लिए सबसे मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी हूँ फिटनेस की वजह से हूँ। और रूटीन तो मैं बिल्कुल प्योर वेज हूँ, और काफ़ी लोग मतलब ताज्जुब भी करेंगे कि मैं कोई भी मतलब, लोगों को लगता है मेरी बॉडी देख के, क्योंकि आजकल क्या शॉर्टकट बहुत हो गए हैं, स्टोरेज वगैरह हो गए, बहुत चीज़ें हो गई, तो मैं बिल्कुल जो भी मेरी बॉडी है बिल्कुल नेचुरल बॉडी है। और मैं 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ कहीं पर भी हूँ, मैं 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता ही हूँ, मैं मेरा रूटीन फिक्स है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरी एक हिंदी फिल्म आ रही है बहुत जल्दी, उसकी शूटिंग अभी 20 जून से उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बारे में मैं जल्दी अनाउंस करूंगा, 4-5 दिन के अंदर वो भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा, अनाउंस कर दूंगा मैं वो भी बहुत जल्दी। आपने टीवी से बॉलीवुड में काम कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू यू टीवी में काम करना इजी है या बॉलीवुड? देखिए, दोनों में काम करना इजी नहीं है, दोनों में बहुत स्ट्रगल था, और दोनों में जब मेरी शुरुआत हुई थी तो बहुत डिफिकल्ट था। टीवी में मुझे, जब मैं 2002 में इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे 10 साल बाद 2012 में महाभारत में ब्रेक मिला था, तो वो 10 साल की मेरा पूरा संघर्ष था। और उसके 10 साल बाद 2022 में मुझे मेरी फिल्म में जो मैंने किया था डेब्यू किया था, तो दोनों में बहुत मुश्किल था। आप अपने कैरेक्टर को कितना मिस करते हैं महाभारत में?
देखिए महाभारत का जो किरदार था तो वो मेरे लिए लाइफ में सबसे मतलब एक होता ना पहला प्यार, जो वो मेरा पहला किरदार था मेरा, तो वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा और कितना भी काम कर लूँ लेकिन वो मेरे लिए सबसे फर्स्ट रहेगा। अजय देवगन के साथ आपने बोला मूवी में काम किया है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? हर एक्टर का सपना होता है कि मतलब अजय सर के साथ काम करें, क्योंकि वो ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग के दम पर सुपरस्टार बने हैं, और फिल्म में तब्बू मैम भी थे जो भी वो भी एक्टिंग में माहिर थे, तो उन दोनों के साथ में स्क्रीन शेयर करना अपने आप में हर एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। उनसे मुझे इतना सीखने को मिला ना, क्योंकि वो मतलब इस मुकाम पर आने के बाद पर भी इतनी मेहनत करते हैं, काम के लिए इतना जुनून है, तो हर एक्टर को सीखने को मिलता है कि आप कितना भी काम कर लो लेकिन मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी आपको, जुनून हमेशा अपने काम के लिए करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा जुनून नहीं। आपने टीवी और बॉलीवुड दोनों किया है, अगर आपको रियलिटी शो करने का ऑफर मिलता है तो आप कौन सा शो करना चाहोगे? देखिए अभी तो मैं रियलिटी शो के लिए सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस फिल्मों पे है और रियलिटी शो में इतना कुछ सोचा नहीं अभी मैंने, तो अभी फिल्म पर फोकस है मेरा। खतरों के खिलाड़ी 13 स्टार्ट होने वाला है, आपका सपोर्ट किस कंटेस्टेंट के लिए है, जैसे शिव ठाकरे, अर्चना गौतम? आपने फॉलो किया है? नहीं, मैंने कभी फॉलो भी नहीं किया, मैंने कभी देखा भी नहीं, तो मुझे सीरियसली आइडिया नहीं है। आपको पता है शुजान खान कौन है, तो वो भी खतरों के खिलाड़ी 13 में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके साथ इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी खतरों के खिलाड़ी में जो भी भाग ले रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये बोलना चाहूँगा कि फैंस को जितना प्यार आप हमेशा मेरे पे बनाए रखते हैं उतना ही प्यार बनाए रखें, और आपके जैसे मैं हूँ, और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।